अफ्रीकी देश माली में कई झारखंड के मजदूर फंसे हुए थे, कई समस्याएं उनकी थी, उनमें से 6 मजदूर आज वापस आए हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, लेबर डिपार्टमेंट के पहल पे ये जो मजदूर हैं यहाँ पर आए हैं और इनका स्वागत किया जा रहा है। किस तरह से जो मजदूर हैं जो फंसे हुए थे, जिनकी समस्या मीडिया के माध्यम से सबके सामने आया था, वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और हम बात करेंगे पहले इन मजदूरों से और फिर उन अधिकारियों से जिनके अथक परिश्रम से ये मजदूर की घर वापसी हुई है। क्या नाम है आपका? छेदीलाल महतो। कैसे चले गए थे माली, कब गए थे? गए थे 24 जनवरी 21 में, एक साल हो गया उधर। क्या बोल के ले गया था और वहाँ समस्याएं क्या आ रही थी? समस्या आ रहे थे पैसे के लिए, $400 बोल के लेके गया था कि यहाँ से बोल के लेके गया कि कंपनी का रूल है 3 महीने का वेतन देने का, 3 महीने में पर महीना देते जाएंगे, 3 महीने करके $400 का हिसाब से जो अब आएगा। तो कुछ दिन तो दिया इसके माली में छोड़कर इन लोगों को, और जो ठेकेदार थे, जो कंपनियां थी, वो उनको वहां छोड़ करके और वापस इंडिया आ गई। और जो समस्या इनको आई, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि कई रातें ऐसी हुई है कि हमने खाना नहीं खाया है। तो क्या होता था बताइए, कैसे इतना दिक्कत कि खाना तक नहीं मिलता? नहीं सर, खाना हम लोग को नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, कल भी दिन भर, और हम लोग को पैसे नहीं ना हम लोग के पास, सिर्फ भेज दिया टिकट बना के, इसके बाद मैंने पैसे खाने उने की कुछ नहीं बोला। अच्छा ये बताइए, आप चूंकि आप अपने वतन आ गए हैं, अपनी धरती पे आ गए हैं, अगर फिर कल मौका आए या फिर कोई ठेकेदार या कोई एजेंसी वाला जाए आपके इलाके में, बोले कि चलो विदेश चलना है, तब क्या कीजिएगा आप? नहीं जाएंगे हम। देखिए अब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाएंगे विदेश, ये प्रण कर लिया है, चूंकि कष्ट झेला इन्होंने, और ये लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और ये यहाँ पर आए हुए हैं, गुलाबों के साथ स्वागत किया है। और इनका एक जो परिश्रम है लगातार, जब से ये खबरें मीडिया में आई कि माली में लोग फंसे हुए हैं, तब से इनका जो प्रयास है वो सराहनीय है। हम बात करते हैं, मैडम पहले अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद आपसे बताएं। जी, मेरा नाम रोशनी हस्ता है, मैं कंट्रोल रूम में काउंसलर के तौर पर काम करती हूँ, और जो भी केस आता है उसको सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो मैडम ये जो केस है, जैसा हम बताया जा रहा है कि कुल मिला के 33 मजदूर हैं, तो इनके बारे में बताइए कि आज कितने मजदूर आए हैं और बाकी जो हैं उनको कब तक लाने की आने की संभावनाएं हैं? आज 33 में एक्चुअली 6 लोग आए हैं, और कल 6 तारीख को 7 लोग निकलेंगे वहां से, फिर 8 तारीख को यहाँ पहुँच जाएंगे, और बाकी और लोगों का प्रोसेस उसके बाद से शुरू होगा। तो देखिए कुल मिलाकर 33 मजदूर आज से एक साल डेढ़ साल पहले गए थे माली, और वहाँ पर इनकी जो समस्याएं बढ़ी, तो जो कंपनी इन्हें लेकर गई थी, कहा जा रहा है कि वो आंध्र प्रदेश की कंपनी कल्पतरु थी, उसके जो अधिकारी थे वो वापस लौटे और ये लोग वहाँ फंस गए थे। 33 में से 6 मजदूरों की आज वापसी हुई है। अगर बात करें लेबर डिपार्टमेंट के दावे की, तो अब चरणबद्ध तरीके से, चूंकि माली से फ्लाइट कम है, तो ऐसी स्थिति में पहले अब 6-6 के संख्या में जो मरीज जो 6-6 की संख्या में जो मजदूर हैं वो वापस आएंगे, और अगला जो मजदूर का जो लोग आने वाले हैं वो 6 तारीख को यानी कि कल आएंगे, और उसके बाद इसी तरह से सभी 33 मजदूरों को वापस लाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि झारखंड के जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी पहल से ये मजदूर वापस आए हैं, और अब ये कह रहे हैं कि अब यहीं पर वो नौकरी खोजेंगे, काम खोजेंगे, और अगर सरकार के तरफ से उनको भेजा जाएगा MOU के तहत विदेश, तब जाएंगे, नहीं तो ये देश से बाहर नहीं जाएंगे। ETV भारत के लिए कैमरामैन परमानंद के साथ उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।